हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज यूनिट थ्री, एक्सरसाइज 3.1। स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द नंबर नेम एंड न्यूमरल ऑफ ईच नंबर सोन ऑन द अबेकस। स्टूडेंट, ये अबेकस है, ठीक है जी, ये अबेकस होता है, इसमें यहाँ पे ये लकड़ी का बना होता है और बीच में लोहे की जो रोड होती है वे इसमें यहाँ पे लगी होती है और इसमें बीच में बीड्स पड़ी होती है, जैसे ये है ना स्टूडेंट, ये बीड्स पड़ी होती है जैसे प्लास्टिक के होते हैं ना, उनके बीच में गोल सर्किल से होते हैं कंचे, जैसे मार्बल देखे होंगे आपने, कंचे देखे होंगे इस तरह के होते हैं स्टूडेंट, और वे उनके बीच में एक छिद्र होता है जो इसमें रोड में पड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट, इसे काउंट करने के लिए लिया जाता है, इससे काउंट करने के लिए आसानी होती है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर वन है, यह अबेकस है स्टूडेंट, इसमें वंस टेन पड़े हुए हैं, वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, ये बीड्स को काउंट करके, है ना, जितनी बीड्स हैं उन्हें जो इनकी प्लेस है उस पर लिखना होता है, और ऐसा लिखने के बाद में इन्हें इनके न्यूमरल लिखने के बाद में फिर आपको इनका नंबर नेम लिखना है, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ कितना है, वन टू थ्री, इसमें थ्री बीड्स हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे थ्री लिखेंगे वंस के नीचे, ठीक है। जो ये स्टूडेंट ये जो लाइन है जिसमें ये बीड्स हैं, इसे हम स्पाइक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइक्स, यानी के कीले जिसमें ये बीड्स डली हुई होती हैं, ठीक है जी। अब टेन प्लेस पे इसमें स्पाइक्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू, जितनी है स्टूडेंट काउंट करके उतनी लिखनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, और एल प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ जीरो, वन टू थ्री फोर। तो स्टूडेंट ये आपके न्यूमरल लिखे गए, है ना, अब आपको क्या करना है, इन्हें नंबर नेम में लिखना है जी, ठीक है। तो नंबर नेम में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप वंस की साइड से पेयर बनाएंगे, पहला पेयर वंस टेंस का होगा स्टूडेंट, हंड्रेड हमेशा अकेला रहेगा, थाउजेंड थाउजेंड का पेयर होता है और लैक लैक का पेयर होता है, ठीक है जी। हमने इन्हें पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो जो पेयर है पहले वाला लेफ्ट साइड से उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, फोर जीरो लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, फोर्टी हो गया, पेयर को एक साथ ही पढ़ते हैं तो ये फोर्टी है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे पहले फोर्टी लिखेंगे, जो भी पेयर होता है उसे ही लिखते हैं, फोर्टी, एफ ओ आर टी वाई, फोर्टी स्टूडेंट, फोर्टी में यू नहीं आता, ध्यान रखें। अब इन दोनों की प्लेस क्या है जी, लैग, तो लैग लिख देंगे, पहले पेयर लिखते हैं फिर उनकी जो प्लेस होती है उसके बाद उनकी प्लेस लिखते हैं, एल ए के एच लैग, फोर्टी लैग। नेक्स्ट पेयर क्या है जी, फिफ्टी टू, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे फिफ्टी टू लिख लेंगे, एफ आई एफ फिप और टी वाई टी फिफ्टी आज टू टी डब्ल्यू ओ टू फिफ्टी टू, ठीक है जी। अब ये दोनों क्या है जी, थाउजेंड है, तो यहाँ पे थाउजेंड की स्पेलिंग लिखेंगे, टी एच ओ यू एस ए एन डी, थो अस एंड थाउजेंड, तो फिफ्टी टू थाउजेंड होगा स्टूडेंट। जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, वही पढ़ा जाना चाहिए, ये फोर्टी थाउजेंड लैक है तो फोर्टी लैक पड़ा गया, फिफ्टी टू है तो फिफ्टी टू थाउजेंड होना चाहिए, ठीक है जी। अब हंड्रेड अकेला रहता है तो पहले क्या लिखा है, फोर, एफ ओ यू आर फोर, हंड्रेड एच यू एन एच यू एन डी हंड
रेड आर ई डी रेड मीन्स लाल, तो 100 हो गया स्टूडेंट। टू दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे इसे, है ना 400। अब स्टूडेंट 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, एक ही नंबर हेवंस के नीचे है, तो इसे लिखेंगे 3 टी एच आर डबल ई और बाद में फुल स्टॉप लगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट क्या कहा था, राइट द नंबर नेम। तो स्टूडेंट नंबर नेम हो गए एंड न्यूमरल, और न्यूमरल भी हो गया। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर बी है, इसे कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 और इस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 आ जाएगी और 1 2 3। स्टूडेंट न्यूमरल लिखे गए, अब पेयर बना लीजिए। 1's 10 का पेयर होगा, 100 अकेला रहेगा, 1000 1000 का पेयर रहेगा, लैख लैख का पेयर रहेगा और करोड़ अकेला रहेगा। ठीक है जी, तो अब इसे लिखना शुरू कर दीजिए। पहले क्या है जी, 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, टी बड़ा बनाएंगे, टी एच आर डबल ई। 3 के ऊपर क्या लिख रहा है, सी। सी का मतलब क्या होता है जी, करोड़, सी आर ओ आर ई, करोड़, 3 करोड़। इतना खत्म होगा, एक पेयर पीरियड खत्म होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लैक पे कुछ भी नहीं है, 10 लैक पे, लैक पे 5 है, तो 5 लिखेंगे, एफ आई वी ई, 5 लैक, एल ए के एच, 5 लैक। ये भी पीरियड आपका खत्म हो गया। अब स्टूडेंट 1000 का पीरियड देखिए, ये क्या है 26, तो 26 लिखेंगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एस आई एक्स 6 26, दोनों क्या है जी 1000, टी एच ओ यू एस ए एन डी 26000। देखो पहले 26 बोलेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी प्लेस होगी उसे बोलते हैं, उसे रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, 100 पे 0 है, 0 है तो लिखा जाएगा, जिस प्रकार 1000000 नहीं लिखा गया। और लास्ट में क्या है जी 43 एफ ओ आर टी वाई 43 टी एच आर डबल ई 3 बाद में फुल स्टॉप, 40 में यू नहीं आता स्टूडेंट। ठीक है जी, तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्पाइक्स डू यू नीड टू सोन द न्यूमरल। स्टूडेंट ये न्यूमरल दिए गए हैं आपको, इन्हें अब एक अक्ष पे शो करने के लिए आपको कितने स्पाइक यानी कि किले या सरिये रोड की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये एक स्पाइक है, ये 1 है, 1s है, ये 10 है, ये 100 है। तो स्टूडेंट ये स्पाइक्स है, तो स्टूडेंट ये कह रहा कि इन्हें लिखने के लिए अब एक अक्ष पे शो करने के लिए इस न्यूमरल को कितनी स्पाइक की जरूरत होगी, यानी कि कितनी इन किलो की आवश्यकता होगी, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट ऐसे, तो स्टूडेंट जितने भी आपको नंबर दिए गए होंगे, जितनी भी डिजिट एक नंबर में होगी उतनी ही स्पाइक की आपको आवश्यकता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या करना है, जितने भी नंबर में आपकी डिजिट होगी उतने ही स्पाइक आपको चाहेंगे, उतनी ही किले आपको चाहेंगी, या रोड कह लो सरिये कह लो। ओके स्टूडेंट, इसमें देखिए पहले में कितने हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है इस नंबर में, तो स्टूडेंट आपको कितनी चाहेंगी, 5 ही चाहेंगी, है ना, क्योंकि अगर ये 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो भी स्टूडेंट हमें 0 तो शो करना ही होगा यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 जितनी डिजिट उतनी स्पाइक्स, 1 2 3 4 5 6 7
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ओके स्टूडेंट, इनके जो ये बीड्स हैं, या देखो स्टूडेंट ये वंस पे क्या लिख रहा है, सेवन लिख रहा है, तो हम जो ये पहली स्पाइक है इसमें हम सेवन बीड डाल लेंगे, है ना, और दूसरे वाले में टेन प्लेस पे हम एट डाल लेंगे, फिर हंड्रेड प्लेस पे हम फाइव डाल लेंगे, है ना। तो इसलिए हमें जिस नंबर में जितनी बीड्स होंगी, जिस नंबर में जितनी डिजिट होंगी उतनी ही स्पाइक्स की हमें आवश्यकता होगी। ओके स्टूडेंट, और एक स्पाइक में कितने बीड्स होंगी, जो वंस पे सेवन लिख रहा तो सेवन बीड डाल लेंगे, टेन टेन प्लेस पे जहाँ एट लिख रहा तो एट बीड डाल लेंगे, है ना, और हंड्रेड जो हंड्रेड वाली प्लेस है स्पाइक्स है इसमें हम स्टूडेंट फाइव बीड्स डालेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, ये डिजिट काउंट करनी है और लिख देनी, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर थ्री। तो जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द अबेकस। स्टूडेंट जो ये नंबर दिए गए हैं इन्हें आपको अबेकस पे शो करने हैं, है ना। तो अबेकस पे किस प्रकार शो करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम इसकी स्पाइक बना लेंगे। पहले हमने ये नंबर एस पी इस प्रकार लिख लिया, एक बॉक्स में एक लिखना स्टूडेंट, और फिर ऐसे ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे, तो स्टूडेंट ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में स्पाइक्स बन गई है इनकी हमारी, तो स्टूडेंट इनमें हमें बीड्स डालनी है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे वन स्टैंड डाल लेंगे, उसमें नीचे रखे डले हुए थे हम यहाँ पे लिखेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैक। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम बीड्स बना लेंगे, वन टू थ्री। स्टूडेंट आप जो मैथ की नोटबुक है उसमें एक बॉक्स में एक ही बनाना, ठीक है जी, यहाँ जीरो है कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे सिक्स बनेगी, वन टू थ्री फोर फाइव और जी सिक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ जीरो है कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे टू, वन और टू। तो स्टूडेंट जो भी आपको नंबर दिए गए थे इन्हें आपने अबेकस पर शो कर दिया, ठीक है जी, बस इतना ही करना था। देखो है ना कितना आसान। अब बी वाला क्वेश्चन, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख और टेन लैख। ओके स्टूडेंट, इसमें एट है तो हम इसमें एट बीट बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, वन टू थ्री फोर फाइव, इनमें जीरो है स्टूडेंट, इनमें कोई भी नहीं बनेगी, इसमें फोर, वन टू थ्री फोर, वन
टू और थ्री। ओके स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया। अब सी वाला, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख। ओके स्टूडेंट, अब इसकी बीट्स बना लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ थ्री बनाएंगे। वन टू थ्री, स्टूडेंट यहाँ जीरो है तो इसमें कोई भी नहीं बनेगी, इसमें भी जीरो है, यहाँ भी कोई नहीं बनेगी। यहाँ एट लिखा हुआ है तो एट बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे नाइन है तो यहाँ पे नाइन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। और यहाँ पे स्टूडेंट टू। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका डी। तो सबसे पहला काम क्या है, वंस टेन डालना। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख और करोड़। ओके स्टूडेंट, ये जीरो है तो जीरो नहीं बनाएंगे, ये वन है तो वन बना देंगे, यहाँ भी जीरो। स्टूडेंट कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ यहाँ फाइव बनाएंगे, फाइव बीट्स। वन टू थ्री फोर और जी फाइव, यहाँ जीरो है, यहाँ भी कुछ नहीं बनाएंगे और यहाँ वन बनाएंगे। स्टूडेंट यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी नहीं बनाएंगे, यहाँ सिक्स है तो यहाँ सिक्स बीट्स बनाएंगे। टू थ्री फोर फाइव और जी ये सिक्स। ओके स्टूडेंट, हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट जो ये लाइन है आपको ये नाइन बॉक्स की ड्रा करनी है, ठीक है जी, तभी एक बॉक्स में एक बनेगा। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख और टेन लैख। अब नाइन है तो स्टूडेंट यहाँ पे नाइन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो स्टूडेंट यहाँ एट हो गई। अब यहाँ फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन।
और जी वन और टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और जी नाइन। ओके स्टूडेंट, हो गई नाइन। अब जी लास्ट क्वेश्चन, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैख टेन लैख। स्टूडेंट अगर आप ये सोचते हो कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया और आपसे आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर अपनी कॉपी पे स्वयं निकाल के देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपसे करना आया या नहीं। ठीक है जी, अब फाइव लिखा है वंस पे, तो फाइव लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बीट्स ड्रॉ कर दी। यहाँ पे वन है तो वन करेंगे, यहाँ भी वन है स्टूडेंट, यहाँ भी वन करेंगे, यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ टू लिखा हुआ है, यहाँ पे टू करेंगे और यहाँ फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे एट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और जी एट, वन टू थ्री और जी फोर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर, ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ये क्या है, ये नंबर नेम है या वर्ड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको इन्हें नंबर में चेंज करना है ना, न्यूमरल लिखने हैं, जो ये नंबर नेम है या वर्ड्स में लिखे हुए हैं इनके लिए आपको न्यूमरल लिखने हैं। ठीक है जी, तो इन्हें लिखने के लिए हमें करना क्या होगा। स्टूडेंट कोई भी नंबर नेम लिखा हुआ हो, अगर आप उसे नंबर में चेंज कर रहे हैं या न्यूमरल में चेंज कर रहे हैं, एक ही बात है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखिए कि उस नंबर नेम में जो प्लेस है लास्ट प्लेस कहाँ तक है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इधर से देखा 72 करोड़, तो लास्ट प्लेस हमें मिल गई भाई करोड़ तक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम करोड़ तक के वन स्टैंड डालेंगे इसे लिखने के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर आप वन स्टैंड नहीं डालते तो आप जो क्वेश्चन लिखेंगे आंसर लिखना चाहेंगे वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले ये करना कि ये देखना कि जो भी नंबर नेम या वर्ड्स दे रखे हैं आपको उसमें लास्ट प्लेस क्या है और वहीं तक आपको वन स्टैंड डालने हैं। ठीक है जी, तो लास्ट प्लेस हमारी करोड़ है तो करोड़ तक के वन स्टैंड डालेंगे स्टूडेंट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैख टेन लैख और करोड़ और स्टूडेंट टेन करोड़। ठीक है जी, डालिए वन स्टैंड, सबसे पहला काम हमारा वन स्टैंड डालना है। फिर आप इसे पढ़िए, 27 ने है जी, क्या लिखा जा रहा है 27 और आगे क्या है इसके करोड़, करोड़ का मतलब ये इसकी प्लेस है 27 की स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप करोड़ के नीचे 27 लिखेंगे, 27 का मतलब है 20 तो 10 पाएगा, 10 प्लेस पर 7 वंस प्लेस पाएगा इसके। तो स्टूडेंट ये 27 हो गया
अब इन दोनों को अगर इनका प्लेस पड़ा तो 20 करोड़ है ऊपर, तो जो हमने लिखा वही पढ़ा जा रहा है, देख लीजिए 27 करोड़। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब 85 लाख, अब लाख देखिए कहाँ है, ये रहा 85, तो 80 10 के नीचे आएगा, ठीक है, और 5 लाख के नीचे आएगा, तो 85 हो गया स्टूडेंट। और दोनों की प्लेस क्या है, लाख, तो पहले 85 बोला जाएगा फिर बाद में लाख बोला जाता है, रीड होता है। ओके स्टूडेंट, तो 27 करोड़, 85 लाख, 85 लाख। अब क्या है, 700 कहाँ है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये रहा 100, ये 100 नहीं है, ये तो 10,000 है, ये 1,000 है, तो अब बोला गया है 700, तो हम 100 के नीचे 7 लिखेंगे, ठीक है जी। और लास्ट में बोला गया है जी 2, अगर स्टूडेंट 12 होता, 10 होता, 13 होता, 99 होता, तो 10 वाली प्लेस भी बोली जाती है ना, अब बोली नहीं गई, सिर्फ 1 बोला गया, तो 1s में 1 डिजिट ही आती है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो स्टूडेंट अगर आप इसे 1s 10 डाल के ना करते, अगर आप मान लीजिए जो जिन बच्चों को नहीं पता होता, अगर वे 1s 10 डाल के ना लिखते तो वे इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते, ऐसे लिख देते स्टूडेंट, ठीक है, और जो गलत हो जाता है ना, देखिए 1s 10s 100s 1000s 10000s लाख तक ही गया है ना, और यहाँ करोड़ तक है। तो स्टूडेंट जो भी प्लेस रीड नहीं होती, नहीं बोली जाती, तो उनके लिए हम 0 लगाते हैं। तो ऐसे 0 लगाएंगे, अगर आप 1s 10 नहीं डालेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे जो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको लिखना आ गया, सबसे पहले 1s 10 डालिए और उसके बाद आप इन्हें लिख सकते हैं। अब ये इसके पीरियड है, पहला 3 के बाद, फिर 2-2 के बाद लगता है ना। अब इसमें देखिए जी, इसमें भी करोड़ है, 54 करोड़, तो करोड़ तक के 1s 10 डालने स्टूडेंट, इसमें भी 1s 10s 100s 1000s 10000s lakh 10 lakh crore 10 crore, तो 54 करोड़, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो स्टूडेंट 54 करोड़ हो गया। अब 99 लाख, लाख कहाँ है जी, हो रहा 99, तो ये 90 तो टी के नीचे आ गया, इनके 10 प्लेस पर आ गया, और लाख 1 लाख, लाख के नीचे 9 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो 99 लाख होगा। फिर है 45,000, 40 10 के नीचे आ गया और 5,000, तो 45,000 हो गया स्टूडेंट। और लास्ट में बोला 6, देखो इसमें ऐसे नहीं है 300 400 100 तो नहीं आया ना, तो इसलिए हम 100 को नहीं लिख सकते, और ना ही 10 आया, 10 में डबल डिजिट आएगी, जब भी डबल डिजिट होगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इसमें सिंगल डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है तो स्टूडेंट वो हमेशा 1s पे ही लिखी जाती है, याद रखें। अब जो प्लेस नहीं रीड हुए, नहीं बोले गए, तो उन पे आप 0 लगाएंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें भी 70 करोड़ है, तो करोड़ तक के 1s 10 डाल लेंगे, 1s 10s 100s 10000s lakh 10 lakh crore 10 crore। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, 70 करोड़ है स्टूडेंट, तो 10 के नीचे 7 आ जाएगा और 3 के नीचे 0, तो ये 70 हो गया, 70 करोड़ हो गया ना, एक पेयर बन गया स्टूडेंट। अब क्या है, 500, अब देखिए 100 कहाँ है, लैक तो नहीं बोला, 1000 भी नहीं आया, आया तो नहीं, सीधा 500 आया, तो 100 यहाँ आया, तो हम 100 के नीचे ही 5 लिखेंगे, 502, और 1 डिजिट आई लास्ट में, तो 2 को हम 1s के नीचे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, जो भी प्लेस हमारे कुछ भी नहीं आए वहाँ सब के लिए 0 लगाएंगे, ठीक है जी।
तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर नेम को न्यूमरल में या नंबर में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर डी वाला 20 करोड़ 70 लाख, तो करोड़ है स्टूडेंट, इसमें भी करोड़ तक कमन स्टैंड डालेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या है जी 20 करोड़? तो स्टूडेंट करोड़ ही हो रहा, तो टी के नीचे हम 20 लिख देंगे और सी के नीचे 0, तो 20 करोड़ हो गया, यानी कि 20 का पेयर हो गया, पी जेड कह लीजिए आप। फिर स्टूडेंट 70 करोड़ 70 लाख, तो स्टूडेंट लाख ही रहा, तो लाख के नीचे हम 70 लिख देंगे। अब स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोला गया तो उन सब के लिए आप 0 लगा दीजिए, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। स्टूडेंट जो आपको ये न्यूमरल दिए गए हैं इनके लिए आपको, इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है, यानी कि शब्दों में लिखना है, या स्टूडेंट नंबर नेम में लिखना है। अगर किसी भी न्यूमरल को नंबर नेम या वर्ड्स में लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम उस पर वंस टेन डालते हैं, ठीक है जी। और कौन से वाले डालेंगे, इंडियन, तो डालिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके स्टूडेंट, इन्हें एक बॉक्स में एक लिखना, एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना स्टूडेंट, और फिर उनके ऊपर आप वन स्टैंड डाल देना, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, वन स्टैंड डालना। सेकंड स्टेप क्या है जी, पेयर बनाना। वन स्टैंड का पेयर बनेगा स्टूडेंट, हंड्रेड हमेशा अकेला रहता है, थाउजेंड थाउजेंड का पेयर बनेगा, लाख लाख का पेयर बनेगा, और करोड़ करोड़ का पेरियड बनेगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम जो अपने पेयर बनाए, सबसे पहले हम पेयर लिखेंगे, तो ये जो पेयर है इसे हम एक साथ पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट क्या है 14 है, ये 14 लिख रहा ना, तो हमने सबसे पहले 14 पढ़ा, तो हम 14 ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए 14, FOUR, फोर, और इसमें हम टीन ऐड कर देंगे, TEE N, 14। ओके स्टूडेंट, अब 14 की प्लेस क्या है, 14 के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, CC लिखा हुआ है दोनों के, 1 के ऊपर भी CR, 4 के ऊपर भी C, तो इनकी दोनों की प्लेस क्या है जी, हाँ करोड़ है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे करोड़ लिखेंगे, CROR E, करोड़। तो स्टूडेंट एक पेयर, एक पीरियड हमारा खत्म हो गया, एक पेयर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब दोनों लैक है, वे दोनों जीरो है, तो जीरो को हम नहीं लिखते स्टूडेंट। फिर थाउजेंड है, थाउजेंड का पीरियड क्या है जी, 27, तो हम यहाँ पे 27 लिखेंगे, पहले 20 लिखेंगे, TWENTY, 7, SEVEN, 27, और दोनों इनकी प्लेस क्या है जी, दोनों की थाउजेंड, तो हम यहाँ थाउजेंड लिखेंगे, TOUSAND, थाउजेंड। ओके स्टूडेंट, अब हंड्रेड, हंड्रेड भी जीरो है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा स्टूडेंट, और लास्ट वाला पेयर है तो क्या है जी, टेन, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे टेन लिखेंगे, TEN, टेन। स्टूडेंट अगर आपसे ये करोड़, 14, ये स्पेलिंग आपको याद नहीं है, तो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी 33 मैजिकल वर्ड 1 to crore तक के नंबर नेम याद हो जाएंगे, अगर आपको ये 33 मैजिकल वर्ड याद है, कोई भी एक भी
अगर आप 1 से लेके करोड़ तक कोई भी नंबर नेम लिखना चाहेंगे, अगर आपने ये 33 वर्ड्स याद कर लिए स्टूडेंट, तो कोई भी वर्ड्स आपको ऐसा नहीं मिलने का इसके अलावा जो आप यूज करें और वो उसमें 33 में ना हो। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, 33 वर्ड्स कौन से हैं जो आप याद कर लेंगे तो आपको करोड़ 1 से लेकर करोड़ तक के सभी नंबर नेम अपने आप ही याद हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट। अब भी बी है जी 21, ट्वेंटी वन सेवेंटी टू, नाइन्टी फोर और 210। ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट नंबर है आपका, तो इस पर क्या करेंगे आप 110 डाल लेंगे, 100, 1000, 10,000, लैख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ओके स्टूडेंट। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर, 100 अकेला, 1000 का पेयर, लाख लाख का और करोड़ करोड़ का पेयर, ओके स्टूडेंट। इन्हें आप लिखेंगे, अब क्या लिख रहा जी, पहला पहला जो पेयर है वो क्या है जी, 21 है, तो आप यहाँ 21 लिखेंगे, TWENTY 21, तो इन दोनों के प्लेस क्या है जी, करोड़, तो यहाँ पे करोड़ लिखेंगे, CROR 21 करोड़। अब अगला नेक्स्ट पेयर क्या है, 72, तो यहाँ 70 लिखेंगे, SEVEN सेविंग, और इसमें TY ऐड कर देंगे स्टूडेंट, 70 हो जाएगा, 72 TWO 2 72, ये दोनों क्या है जी, लैख, लैक स्पेलिंग LAKH लैक। अब नेक्स्ट क्या है, 94, पहले 9 की स्पेलिंग लिखिए, NINE 9, और इसमें TY ऐड कर दीजिए, 90 FOUR 4 94। अब स्टूडेंट 94 क्या है, किन की प्लेस क्या है, 1000 THOUSANDY थो अस एंड 1000, तो 94,000 होगा। अब 2 क्या है, अगर 2 है स्टूडेंट तो 2 लिखेंगे, TWO 2, 2 की प्लेस क्या है, 100 HUNDRED 100 210 TEN 10, और बाद में फुल स्टॉप जरूर लगाए, ओके स्टूडेंट। अब सी, सी का क्या है जी, 24 68 00 3 2 4, ओके स्टूडेंट। अब सबसे पहले स्टेप, पे 1 stands 1 stands 100 1000 10,000 लैख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 1 stands का पीरियड 100 हमेशा अकेला रहेगा, 1000 1000 का, लैख लैख का और करोड़ का पीरियड, ओके स्टूडेंट। तो पहला पेयर हमारा क्या है, 24, तो यहाँ पर आप 24 लिखेंगे, TWENTY FOUR, और दोनों की प्लेस क्या है, करोड़, तो आप यहाँ करोड़ लिखेंगे, CROR करोड़। स्टूडेंट अगर आप लिखते हुए ऐसे बोल के लिखेंगे ना तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, तो 24 करोड़ होगा, 24 करोड़ ही यहाँ था, एक पीरियड हमारा खत्म हो गया स्टूडेंट। अब 68 है,
तो 68 लिखेंगे, पहले 6 की स्पेलिंग लिखेंगे एस आई एक्स 6 और इसमें टी वाई जोड़ देंगे 68 ई आई जी एच टी 68 क्या है जी लैक एल ए के एच लैक 68 लैक। अब 1000 दोनों जीरो है स्टूडेंट तो 1000 नहीं लिखेंगे, अब देखिए 3 है, 3 की प्लेस क्या है जी 100 तो 300 लिखेंगे टी एच आर डबल ई 300 एच यू एन डी आर ई डी 300 24 है तो 24 लिखेंगे टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एफ ओ यू आर 24 ओके स्टूडेंट। अब डी फोर्टी टू थर्टी सेवेंटी टू हंड्रेड थर्टी ओके स्टूडेंट। अब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़ वंस टेंस का पीरियड हंड्रेड अकेला थाउजेंड थाउजेंड का लैक लैक का और जी करोड़ करोड़ का पीरियड पेयर ओके स्टूडेंट। जो कोमे है पहला वंस के पीरियड के बाद फिर थाउजेंड के पीरियड के बाद फिर लैक के पीरियड के बाद इस प्रकार आप उसमें कोमे इंसर्ट कर देंगे ओके स्टूडेंट। चलो जी आप क्या लिख रहा 42 लिख रहा तो यहाँ लिखेंगे 42 एफ ओ आर फोर और टी वाई और जोड़ दीजिए स्टूडेंट इसमें यू नहीं आता 40 में याद रखें एफ ओ आर टी वाई 40 करोड़ सी आर ओ आर ई करोड़ 42 करोड़ 30 लाख टी एच आई आर टी वाई 30 लाख एल ए के एच लाख। अब क्या है जी 70,000 एस ई वी ई एन टी वाई 70,000 टी एच ओ यू एस ए एन डी थो एस एंड 70,000। अब नेक्स्ट क्या है जी 2 टी डब्ल्यू ओ 2 100 एच यू एन डी आर ई डी 100 30 टी एच आई आर थार इसमें तीन और प्लस कर देंगे स्टूडेंट 13 हो गया जी। अब ई ई क्या है जी 43 21 07 650 ओके स्टूडेंट। ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड्स लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़ तो वंस टेंस का पीरियड हंड्रेड अकेला थाउजेंड थाउजेंड का पीरियड लैक लैक का पीरियड और करोड़ करोड़ का पीरियड ओके स्टूडेंट। कोमे इंसर्ट करेंगे पहला वंस का पीरियड के बाद फिर थाउजेंड के पीरियड के बाद फिर लैक के पीरियड के बाद ओके अब लिखेंगे तो स्टूडेंट पहला पीरियड क्या है हमारा 43 पहले 43 लिखेंगे एफ ओ आर टी वाई टी एच आर डबल ई 43 करोड़ सी आर ओ आर ई 43 करोड़ 21 लाख टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ओ एन ई 1 लाख एल ए के एच लाख 21 लाख। अब स्टूडेंट इसमें 10 नहीं है 7 ही है तो 7000 हो जाएगा एस ई वी ई एन 7000 टी एच ओ थो यू एस एस ए एन डी एंड थो एस एंड 1000
फिर नेक्स्ट क्या है जी, सिक्स एस आई एक्स सिक्स। ओके स्टूडेंट, पहले सिक्स लिख दिया, अब सिक्स के ऊपर क्या लिख रहा है, हंड्रेड, तो हंड्रेड लिखेंगे, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड। लास्ट में क्या है जी, फिफ्टी एफ आई एफ टी वाई फिफ्टी। ओके स्टूडेंट, अब एफ एफ फिफ्टी जीरो टू वन नाइन टू सेवन फाइव, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़। ओके स्टूडेंट, वन टेंस का पीरियड हंड्रेड अकेला, थाउजेंड थाउजेंड का पीरियड, लैक लैक का, और जी करोड़ करोड़ का पीरियड। कोमा इंसर्ट कर देते हैं, तो स्टूडेंट क्या लिख रहा है, फिफ्टी, फिफ्टी की प्लेस क्या आया जी, करोड़, तो लिखेंगे फिफ्टी करोड़। एफ आई एफ टी वाई फिफ्टी करोड़, सी आर ओ आर ई फिफ्टी करोड़ कंप्लीट होगा। अब टू लैख टी डब्ल्यू ओ टू एल ए के एच टू लैख नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन एन आई एन ई नाइन, इसमें टीन की स्पेलिंग और ऐड कर देंगे, टी डबल ई एन टी नाइनटीन थाउजेंड टी एच ओ थो यू एस एस ए एन डी एंड थो एस एंड थाउजेंड। अब स्टूडेंट आगे क्या है, टू हंड्रेड टी डब्ल्यू ओ टू एच यू एन डी हन आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। तो स्टूडेंट दो टुकड़ों में तोड़ के आप याद कर सकते हैं, हंड्रेड की स्पेलिंग को एच यू एन डी हन आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल, टू हंड्रेड हो जाएगा स्टूडेंट। अच्छा जी, टू हंड्रेड सेवेंटी एस ई वी ई एन सेविंग, इसमें टी वाई और ऐड कर दीजिए, सेवेंटी फाइव एफ आई वी ई फाइव। ओके स्टूडेंट, बाद में फुल स्टॉप लगाइए, पहला लेटर कैपिटल होगा ओके स्टूडेंट, और बाकी सभी लेटर स्मॉल होंगे और बाद में फुल स्टॉप होगा। तो स्टूडेंट जो पेज नंबर था जी आपका 18, तो ये पेज नंबर 18 आज आपका कंप्लीट हो गया, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी स्टूडेंट उसमें पेज नंबर 19 कंप्लीट करा देंगे, तो ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी लगता है आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।